आप जैसे कि अभी मैं आपको मैं बात कर रहा था, ये मिड रेल का देखो, ये आप देख रहे हैं ना ये सामने, ये क्या हमारा मिड रेल है जिसमें 500 होना चाहिए और उसका टॉप होना 1200 होना चाहिए, लेकिन हर एक कंपनी का अलग है, कहीं पे 1250 होता है, कहीं पे 1100 होता है, लेकिन हमेशा 500 होना है, 550 में होना है मिड रेल। और जो टॉप रेल है, मिड रेल उसे बोलते हैं जो आपका कमर है, कमर की ऊंचाई को इसको मिड रेल बोला जाता है, जो आपके हाइट शोल्डर का होगा ये होगा टॉप रेल। और उसके नीचे में आप देखो होंगे एक टो गार्ड बना रहेगा, टो गार्ड उसका 100 से 150 mm, 100 से 150 mm क्या होगा उसका लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, 6 mm थिकनेस होता है उसका लंबाई होगा, यानी कि ऊंचाई उसका इतना होना चाहिए। क्यों लगाया जाता है टोबोर्ड? कोई मटेरियल हमारा इसका फोल्डिंग से गिरे नहीं, कोई मटेरियल हमारा इसका फोल्डिंग से गिरे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पाइप रख सकते हैं, छोटा रोलर वाला सामान। अब जैसे कि यह हमारा बोतल है, अगर इसका फोल्डिंग आप ऊपर रखिएगा इस तरीके से, तो ये लुढ़क के ये कहां जाएगा, नीचे आएगा। अगर यही एक इस जैसा हम एक पट्टी लगा देंगे, तो अगर यहाँ पे पट्टी लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये टोबोर्ड जिसको बोलते हैं, टोबोर्ड टोबोर्ड होना चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या लगा रहेगा, पहला सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड, लेजर, किकर लिफ्ट, ट्रांसम, ब्रेसिंग, पाइप, क्लैंप, टोगा, टोबोर्ड, प्लैंक, टॉप रेल, ये इतने सारे जो आप देख रहे हैं ये सब सारा चीज क्या है, इसका फोल्डिंग में लगाया जाता है, इसका फोल्डिंग में लगाया जाता है। जैसे कि देखो स्टैंडर्ड ये क्या है, आप लोग देखो इसका फोल्डिंग किस तरीके से लगा।